नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि बीजेपी ने गुजरात चुनाव न लड़ने के लिए ऑफर किया था। उन्होंने बताया कि बीजेपी ने मुझसे कहा था गुजरात से चुनाव मत लड़िए, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को हम छोड़ देंगे। सीएम ने सीबीआई पर आरोप लगाया है कि एजेंसी ने भी सिसोदिया को बार बार बोला है कि केजरीवाल को छोड़ दो तो दिल्ली का मुख्यमंत्री बना देंगे। केजरीवाल ने बीजेपी और एसबीआई पर ये आरोप एक निजी चैनल के इंटरव्यू के दौरान लगाए हैं। जब उनसे पूछा गया कि ये ऑफर किसने दिया, उन्होंने कहा कि मैं किसी का नाम कैसे ले सकता हूँ। बीजेपी हमेशा दूसरों के माध्यम से संपर्क में रहती है। केजरीवाल ने महागठ सुकेश की तरफ से सत्येंद्र जैन पर लगाए आरोप को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने कहा कि बहुत पहले मनोहर कन्हैया आती थी। केजरीवाल ने कहा है कि बहुत पहले मनोहर कहानियां आती, ऐसे ही ये सब बीजेपी की मनोहर कहानियां है। ये सब मोरबी में हुए हादसे से ध्यान भटकाने के लिए किया गया था, लेकिन ये मनोहर की कहानियां कोई नहीं खरीदेगा। केजरीवाल ने आगे का कहना है कि जैन और 3 महीने जेल में रख लो, लेकिन हम टूटने वाले नहीं है, हम लड़ने वाले हैं। हमारी लड़ाई भाजपा के खिलाफ जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि जैन को कोई जज अगर बेल देता है तो उसे बीजेपी बदल देती है। गुजरात में होने वाले चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा ने कुछ काम नहीं किया है, विकास के जितने भी दावे हैं वे सब हवा हवाई है। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।